प्रिय दोस्त गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 मई 2022 को द आर्ट ऑफ द हेयर इन इंडिया की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार म्यूजियम पटना। 29 से 30 अप्रैल 2023 तक बिहार में सीता थापा महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? औरंगाबाद। नेक्स्ट, 29 अप्रैल 2023 को किरकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई, दानवीर भामाशाह। नेक्स्ट, 25 से 26 अप्रैल 2023 को चीन में आयोजित हुए युवा उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति को ने भारत का नेतृत्व किया? अभिषेक कुमार। नेक्स्ट, 15 से 16 अप्रैल 2023 बिहार के थावे महोत्सव 2023 का आयोजन गोपालगंज में किया गया। नेक्स्ट, बिहार का वह उत्पाद जिसे 4 अप्रैल 2023 को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया, मिर्चा चावल। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2023 को बिहार का कौन सा रोड मैप लागू हुआ? चौथा। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोकसभा के कौन सी स्थापना मनाया गया? 75वां। नेक्स्ट, हाल में ही जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का स्थान कौन है? 16वां। 111वां बिहार दिवस 2023 का थीम क्या है? युवा शक्ति बिहार प्रगति। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में पाई जाने वाली गरुड़ को गरुड़ प्रजाति के लिए डाक टिकट जारी किया गया? भागलपुर। नेक्स्ट, हाल में स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के बाद ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्कूली बच्चे को? नेक्स्ट, हाल के खबरों में रहा वैभव गिरी पर्वत बिहार के किस जिले में है? वैभव गिरी पर्वत बिहार के नालंदा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति का रक्त पीएच वैल्यू कितना होता है? रक्त में पीएच वैल्यू 7.35 से 7.45। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन है? लाल प्रकाश। नेक्स्ट, एलिसा टेस्ट किसमें किया जाता है? एलिसा टेस्ट एड्स में किया जाता है। नेक्स्ट, सब्जी का प्रयोग होने वाला मशरूम कवक कहलाता है। नेक्स्ट, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का जिम्मेवार सल्फोनिकम। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी को ऑटोपिक्स कहा जाता है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। पैराडाइलॉस्ट कौन है जॉन मिल्टन पुस्तक है। इसके हर्षचरित पुस्तक के लेखक बान भट्ट। अर्थ इमैल जोला। गुड अर्थ पर्लिसबर्ग। गुड अर्थ किसके कौन है? पर्ल एसबर्ग। काट चैलेंज इंडिया जगजीवन नाम। प्रिजन डायरी पुस्तक है जयप्रकाश नारायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनासा। अब द हिंदू का आर्टिकल है इन्फ्लेशन मान महंगाई 18 महीने में सबसे कम महंगाई किस महीने में रहा है? तो अप्रैल महीने में महंगाई रेट 4.7% है। आरबीआई ने कहा है कि महंगाई दर 6% से अधिक नहीं होना चाहिए और 2% से कम नहीं होना चाहिए। महंगाई में कमी आई है, लेकिन दो वस्तु को छोड़कर दाल और दूध पे क्या हुआ? महंगाई में वृद्धि हुई है। तो आपको इन्फ्लेशन सीपीआई क्या होता है? सीपीआई रोजमर्रा की वस्तु जो उपयोग करते हैं वह सीपीआई में मापा जाता है, और थोक के रूप में किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको WPI के रूप में मांगा जाता है, WPI वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट, आज इंडियन द हिंदू के आर्टिकल में जेल जो भारतीय जेल है उसके व्यवस्था पर प्रकाश डाला है कि जेल की स्थिति कैसी है। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो भारत में जेल के लिए जो कानून बना है वह कानून 130 साल पुराना है। जेल में कैदियों की संख्या
काफ़ी अधिक है, ओवरलोडेड की समस्या है, कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्रिमिनल जस्ट सिस्टम को अपनाना चाहिए। इसे क्या करना चाहिए, थाना को क्या करना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए, पुलिस को आधुनिक करना चाहिए, कोर्ट को फास्ट ट्रैक होना चाहिए और निगरानी करना चाहिए, ऐसा कहा गया। एक आंकड़ा है, 2022 तक भारत के विभिन्न जुडिशियल में, या सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, 4.7 करोड़ केस पेंडिंग है। एनसीआरबी की रिपोर्ट लेकर, एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट लाई है कि जितना केस का सुनवाई होता है उसका 62.2% पेंडिंग केस है। आधे से ज़्यादा लोग अंडर ट्रायल में गिरफ्तार हुए हैं, इसलिए इसके सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए ओवर क्राउडेड ज़्यादा है। 2020 में तिहाड़ जेल में 7,000 कैदी थे, लेकिन अब कैदी संख्या बढ़कर कितना हो गया, 15,000, दुगना से भी अधिक कैदी तिहाड़ जेल में है। दूसरी तरफ स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, जिस बाहर की जितने भी जेल है वह जेल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, स्टाफ की कमी को दूर करने की आवश्यकता है। एक आंकड़ा है, 2022 में तमिलनाडु के सेंट्रल जेल में 100 कैदी पर मात्र एक सुरक्षा गार्ड है। कितना कैदी पर, 100 कैदी पर एक सुरक्षा गार्ड है, इसलिए खाने पीने की जो कैदी की व्यवस्था है वह अच्छी नहीं है। आराम से कैदी को मोबाइल पहुंच जाता है, और मोबाइल पहुंचने के बाद वह जेल में बैठे बैठे वह क्राइम करवाते हैं। मोबाइल जो पहुंचता है उस पर काफ़ी रोक लगाना पड़ेगा, भारी मात्रा में पुलिस की संख्या को जेल में नियुक्त करना पड़ेगा, पुराना कानून 130 वर्ष कानून है, इस कानून को बदलना पड़ेगा, पुलिस को एक्टिव रहना पड़ेगा, थाने को आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि जेल में सुधार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्क प्लेस स्थान पर जो महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, उस हरासमेंट को कैसे रोका जाए, क्या उस हरासमेंट के लिए कोई कानून है, ता वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है अपने बॉस के द्वारा या अपने सहपाठी के द्वारा, इसके लिए भारत सरकार के लिए कानून है, वह कानून पॉस एक्ट है, पॉस सेक्सुअल एक्ट है। वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ जो कोई छेड़खानी करता है उसके लिए पॉस एक्ट है, लेकिन यह कानून कारगर नहीं है। बहुत सी महिलाएं हैं जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, वह बोल नहीं पाती है या थाने में नहीं जा पाती है, जिस कारण उससे सुधार नहीं है। इसके लिए एक सुझाव दिया गया है, एक कमेटी बैठाया जाए, जहां महिलाएं काम करती है वहीं पर एक कमेटी बैठाया जाए, कमेटी को अधिकार दिया, सिविल कोर्ट का जितना अधिकार है उस अधिकार के बराबर कमेटी को अधिकार दिया जाए, ताकि तुरंत जजमेंट हो सके और तुरंत उस पर अंकुश लगा सके। लेखक ने यहाँ यही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोर सेक्टर उद्योग कितने हैं, भारत में कोर सेक्टर 8 उद्योग हैं, और इसी 8 उद्योग पर भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। कौन कौन है, कोयला है, कच्चा तेल है, रिफाइनरी है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है, इसका स्टील इंडस्ट्री है, यानी 8 कोर सेक्टर है। सबसे अधिक रिफाइनरी है, कोर सेक्टर में सबसे अधिक योगदान किसका है, रिफाइनरी का योगदान है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का योगदान है, इसके बाद कोयला का योगदान है, स्टील है, इसके बाद कोयला का योगदान है। इस ढंग से 8 कोर सेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एडिटोरियल हिंदू के एडिटोरियल में छापा गया है, वो भारत में जो डीजल गाड़ी है, उस डीजल गाड़ी के विषय में लिखा गया है कि 2027 तक डीजल वाली गाड़ी भारत में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत में जो चारपहिया वाहन चलते हैं उस पर डीजल का उपयोग धड़ल्ले से किया जाता है। डीजल गाड़ी की जगह पर इलेक्ट्रिकल गाड़ी और गैस गाड़ी का उपयोग किया जाएगा, जिस शहर की जनसंख्या 1 मिलियन करीब है, उस शहर में
ट्रांसपोर्ट 2070 तक प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल गाड़ी का उपयोग को हम बंद कर देंगे, उसके जगह 40% रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का अर्थ होता है विंड एनर्जी, लहर एनर्जी, वाटर एनर्जी से हम यूज करेंगे। हम 2030 तक जो डीजल आधारित बस है उसको हटाने पर फोकस दिया गया है। 2024 से ही इस पर काम शुरू करेंगे ताकि क्या होगा, प्रदूषण में कमी होगा। इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स देश में बढ़ाने की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल को मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा। बस और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान रहता है, उसमें डीजल का यूज होता है और डीजल का यूज होने के कारण प्रदूषण होता है। 2024 से अलाउ करना चाहिए कि पेट्रोल और गैस पर ही गाड़ी चलाया जाए, ज़्यादातर गैस पर गाड़ी चलाया जाए। 2030 तक 15% हम गैस का यूज कर सकेंगे, इस ढंग से टारगेट लिया गया है। डीजल का कंजम्पशन इन दिनों बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन में 40% डीजल का योगदान है। लंबी दूरी जो भी गाड़ी ट्रक हो, बड़े ट्रक हो, वो ट्रक यात्रा करती है, उसमें डीजल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी में तुलना किया जाए तो डीजल गाड़ी की संख्या ज़्यादा है, डीजल गाड़ी में एफिशिएंसी भी ज़्यादा होता है। डीजल गाड़ी के इंजन की वजह से डीजल गाड़ी में ऐसे इंजन की व्यवस्था आती है जिस कारण की प्रदूषण होता है। इसके जगह पर ग्रीन हाउस मिशन पर बल देना चाहिए। डीजल गाड़ी से नॉइज पॉल्यूशन होता है जो शहर में सोने में भी दिक्कत होता है। डीजल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। डीजल ट्रक में CNG का यूज करना चाहिए, लेकिन CNG का यूज करेंगे लेकिन लंबी दूरी तक जो भी ट्रक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है वह CNG गैस का यूज करने में क्या होगा, दिक्कत हो सकती है, CNG यूज दिक्कत हो सकती है। इसलिए 2030 तक इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल चलाया जाए, ऐसा लेखक कहा है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाया जाए, ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट किया जाए, पेट्रोल की खपत कम करने के लिए इथेनॉल को यूज किया जाए। पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाया गया है, लेकिन भविष्य में कुछ ही 20% तक पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की बात की जाए, यानी 20% तक भविष्य में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा। CNG ट्रांसपोर्टेशन में CNG गैस का यूज किया जाए। इस ढंग से लेखक ने CNG गैस के यूज करने पर, प्रदूषण के कम करने पर अपना प्रकाश डाला है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरे दोस्त द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB मैंने डाला है। एक सूचना आपको, जो टीचर का सिलेबस है वह निकल चुका है, टीचर का बैच स्टार्ट है। दो लड़के टीचर सुपर टेट की परीक्षा में नामांकन करना चाहते हैं, कम फी पर आप नामांकन करा सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9931467817। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।